एंड वेलकम टू अभिप्रीत्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। इसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसे आज झटपट प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम रखा है। और लेंगे 1 चम्मच घी, 2 को हम ये अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 स्पून जीरा। जीरा चटक जाने पे हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। ये सारे गरम मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर डाल रहे हैं 2 तेज पत्ता, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। सारी चीजों को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 बारीक कटा हुआ प्याज। हमें प्याज को यहाँ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम यहाँ डाल रहे हैं 2 टमाटर और उसके साथ ही धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। आमचूर पाउडर आपके छोले को थोड़ा टैंगीनेस देगा। हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे 2-3 मिनट। देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं छोले। मैंने छोलों को यहाँ रात भर भिगो के रखा था। मसाले के साथ छोले को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ढक के मैं इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। अब मैं यहाँ बना रही हूँ लीकर। इसके लिए मैंने लिया है पानी और 2 चम्मच के करीब चाय पत्ती। लीकर डालने से आपके छोले का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। पर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारे छोले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं मसालों के साथ। अब हम इसे ऐसे छान के डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है। आपको अंदाज से पानी ऐड करना है। आपको उतना ही पानी डालना है जिससे कि आपके छोले जो है वो डूब सके। अब हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसे डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 7 से 8 विसल तक इसे पका लेंगे। देखिए 7 विसल हो चुके हैं, हमारा छोला बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे। अब हम इसे परोस लेंगे। आप छोले को पूरी, पराठा, भटूरे, राइस, किसी भी चीज़ के साथ परोसें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।